दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा सबसे तेज नजर वाला जानवर है जो अपने से 5 गुना बड़े जानवर पर हमला करने से भी नहीं डरता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज हम बात कर रहे हैं बाज की। बाज जो कि पलक झपकते ही दूसरे जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। ये वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये बाज इतने बड़े और खतरनाक जानवरों पर हमला करता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बाज की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर नहीं जानते तो वो है इसकी सबसे तेज नजर, क्योंकि ये सबसे ऊंची जगह पर बैठकर अपने शिकार को 10 किलोमीटर दूर से भी देख लेता है। बाज की आंखें इंसान से 10 गुना साफ और दूर देख सकती है। एक बाज की चोंच पत्थर के जितनी मजबूत होती है और इसके पंजे एक शक्तिशाली बॉडी बिल्डर के हाथ से भी ज्यादा मजबूत होते हैं और इसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको जंगल में इस बाज द्वारा किए गए उस हमले को दिखाते हैं, ईगल वर्सेस भेड़िया। दोस्तों, वैसे तो भेड़िया और बाज का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बाज अक्सर खतरों का खिलाड़ी होता है। हालांकि एक भेड़िया के काटने की ताकत लगभग एक शेर जितनी होती है, इसीलिए ये कुछ पलों में बाज को चीर फाड़ सकता है। लेकिन आपने सुना ही होगा कि अक्सर हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। इसलिए ये बाज ताकतवर होने के साथ साथ अक्लमंद भी होते हैं, क्योंकि ये किसी भी झुंड पर हमला नहीं करता है। और जब भेड़िया अपने झुंड से अलग होता है तभी वो उस पर हमला कर देता है और ये शेर की तरह ही जानवरों को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है, ताकि ये भेड़िया उस पर पलट कर हमला न कर सके। ये भेड़िया बाज से लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये बाज उसे छोड़ता नहीं है। और आखिर में इस तरह से ये बाज उस भेड़िये को मौत के घाट उतार देता है और वहीं पर ये सभी के सामने उसे खाना शुरू कर देता है। ईगल वर्सेस चीता। दोस्तों, वैसे तो चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। और कोई भी ऐसा जानवर जंगल में मौजूद नहीं है जो चीते से तेज भागकर अपनी जान बचा सके। यहाँ चीता जंगल का बादशाह है और वहीं आसमान का बादशाह बाज है। और इन दोनों की लड़ाई तब शुरू होती है जब ये बाज आसमान से ही इस चीता के बच्चों पर नजर रखता है। और चीता भी जानता है कि उसके बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा इस बाज से है। इसी वजह से बाज एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मादा चीते के बच्चों को पकड़ कर ले जाकर उसे मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन दोस्तों, एक बाज पावरफुल चीते का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता है। बाज केवल इसके बच्चों को ही उठा सकता है, लेकिन जब चीते की बारी आती है तो ये बाज चीते के सामने बेबस हो जाता है, क्योंकि ये जो चीता है ये पेड़ पर चढ़ना भी जानता है। इसलिए इतनी तेजी से पेड़ पर चढ़ता है कि बाज को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता है और ये चीता उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद ये चीता अपने बच्चों का बदला इस बाज से ले लेता है। ईगल वर्सेस हिरन। दोस्तों, हिरन को वैसे तो अक्सर कोई भी जानवर पकड़ लेता है, लेकिन ये हिरन काफी बड़ा और भारी भी होता है। और एक हिरन का वजन 20 से 40 किलो तक का होता है और सबसे बड़ा हिरन 60 से 70 किलो तक का भी हो सकता है। यहाँ पर अचानक ये बाज उस हिरन पर हमला कर देता है और इस हिरन का वजन इस बाज से 5 गुना ज्यादा होता है। और जैसे ये बाज उस हिरन को गर्दन से पकड़ता है, ये अपने पंजे उसकी गर्दन में गड़ा देता है, जिससे दर्द के मारे ये हिरन भागना चाहता है, लेकिन ये भाग नहीं पाता है और इस तरह से बाज उसे अपना शिकार बना लेता है। ईगल वर्सेस बकरियां। दोस्तों, बाज जिस भी जानवर को देख लेता है उसे अपना शिकार बनाने का फैसला कर लेता है। इसी वजह से ये पहाड़ पर घूमने वाली बकरियों को भी अपना शिकार बना लेता है और ये अपने ताकतवर पंजों की वजह से कितनी भी भारी बकरी को उठा लेते हैं। ये बाज इन बकरियों का शिकार करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये बकरियों को पहाड़ी पर से घसीटकर नीचे गिरा देता है और अक्सर कई बार जो बकरियां छोटी होती है उन्हें उठाकर ये काफी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और ये उन्हें नोच नोच कर खा जाता है। ईगल वर्सेस लोमड़ी। ये लोमड़ी एक मैदान में कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन इसे पता भी नहीं था कि अब ये खुद शिकार बनने वाली है। तो वहां पर अचानक एक बाज आ जाता है, इसीलिए लोमड़ी उस बाज को डराने के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती है। ये बाज उस लोमड़ी पर जबरदस्त हमला कर देता है और ये लोमड़ी बाज को काट कर अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये बाज उसके सभी प्रयासों को असफल कर देता है, जिससे वो इस लोमड़ी को इतना जकड़ लेता है जिसके कारण इसके पास भागने और अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। और आखिर में यह लोमड़ी बाज के पंजों में ही अपनी जान गंवा देती है। ईगल वर्सेस जंगली सुअर। दोस्तों, जंगली सुअर वैसे तो जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर है, क्योंकि इसके आगे वाले दांत किसी भी जानवर की चीर फाड़ कर सकते हैं और ये सुअर अपने दांतों के दम पर जंगली चीते तक को भी भागने पर मजबूर कर देता है। इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता है कि बाज जंगली सुअर पर हमला कर सकता है। अक्सर जंगली सुअर के बच्चे अपनी माँ के साथ ही घूमते हैं,
इसीलिए इन बच्चों को कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो ये बाज है ये ताकत के साथ साथ अकल से भी काम लेता है। अब जैसे ये बच्चा अपनी माँ से पीछे रह जाता है तभी ये बाज अपना खतरनाक हमला करके उस बच्चे को दबोच लेता है और ये बाज उस बच्चे को कुछ ऐसे पकड़ता है जिससे उसकी आवाज भी नहीं निकलती और कुछ ही समय में ये उस बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों ये थे बाज द्वारा किए जाने वाले कुछ खतरनाक हमले। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।